एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमर। मैं हूं आप सभी की दोस्त शुभी और वेलकम करती हूं आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में पारस अरोड़ा की लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। पारस अरोड़ा का जन्म 10 जनवरी 1994 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने यूपी के हांदा पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद मुंबई के रावल इंटरनेशनल कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। बचपन में पारस का सपना एक पायलट बनने का था और एक्टिंग में उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट शुरू से ही था। डांसिंग में बचपन से इंटरेस्टेड और अच्छे रहे पारस को उनके डांस ने ही उनके स्कूल डेज के दौरान ही एक मूवी में एक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दिलवा दी थी और महज 10 साल की उम्र में विवेक ओबेरॉय करीना कपूर स्टारर मूवी युवा में उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया। साथ ही मलिका द फायर नाम की मूवी में भी उन्हें देखा गया, बट उसके बाद वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करने में लग गए और 2006 में रावण नाम के एक टीवी शो से उन्होंने अपना टीवी डेब्यू किया। बाद में 2008 में उन्हें रामायण में लॉर्ड राम का किरदार निभाने का भी मौका मिला। उसके बाद मीरा, दिल से दिल तक, वीर शिवाजी, प्यार तूने क्या किया जैसे कई टीवी शोज में उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। वैसे सावधान इंडिया, पुलिस फैक्ट्री जैसे क्राइम अवेयरनेस शोज में भी वो काफ़ी बार एपिसोडिक रोल्स में नजर आते रहे हैं। लेकिन पारस को रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हुई थी 2006 में कलर्स टीवी के उड़ान नामक शो से, जिसमें उन्होंने विवान मनोहर राजवंशी का किरदार निभाया था। बाद में एमटीवी वेब्ड के सेकेंड सीजन में भी वो नजर आए। इतनी कम एज में इतने शोज मिलना सब उनकी एक्टिंग का ही जादू था और उनकी इसी एक्टिंग ने उनकी पर्सनालिटी को लेवल अप किया 2009 में आई बॉलीवुड मूवी लेट्स डांस से। काफी बॉलीवुड मूवीज में कैमियो रोल्स प्ले कर चुके पारस अरोड़ा को बिग स्क्रीन पर बिग ब्रेक मिला रज्जो नाम की एक मूवी से, जिसमें वो लीड एक्टर रहे थे और वो भी बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के अपोजिट, और उनकी पॉपुलैरिटी उसके बाद लगातार इसी तरह बढ़ती चली गई। लेकिन सोर्सेज की माने तो रज्जो मूवी के लिए उन्होंने अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स स्किप किए थे। इतना ही नहीं, वो एमटीवी बॉक्स क्रिकेट लीग में चेन्नई स्वैगर्स टीम का पार्ट भी रह चुके हैं। साथ ही 2019 में बावले उतावले शो में भी उन्हें देखा जा चुका है। लेकिन जो पॉपुलैरिटी उन्हें वीर शिवाजी और महाभारत के अभिमन्यु के किरदार ने दिलाई, वो अब उनके करियर की एवरलास्टिंग मेमोरी बन चुकी है। बात की जाए उनकी हॉबीज की तो उन्हें डांस करने का, गिटार बजाने का, स्विमिंग करना और क्रिकेट देखने का बहुत शौक है। पारस एक फिटनेस एंथुजियास्ट भी कहे जा सकते हैं। इतनी कम एज में ही उन्हें हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड काफी नॉलेज है, जिसे वो फैन से अपने वीडियोस एंड इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर भी करते रहते हैं। पारस को टैटूज का बहुत क्रेज है और उनके लेफ्ट आर्म, राइट शोल्डर और नेक की बैक पर टोटल 3 टैटूज हैं। इन सब के अलावा पारस क्रेजी है ट्रैवलिंग के, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के और पेट्स के भी। साथ ही बाइक्स एंड कार्स का भी उन्हें बहुत बड़ा ऑब्सेशन रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात पारस से रिलेटेड ये भी है कि उन्हें वॉचेस पहनने का बहुत शौक है और वो अपने राइट हैंड में एक कड़ा यानी एक बैंगल भी पहनते हैं जो वो कभी नहीं उतारते। लास्टली, पारस अभी तो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, पर वो जब भी अपनी कोस्टार्स के साथ फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं तो उनकी फीमेल फैंस बहुत जेलस हो जाती है। यदि आप भी पारस को इस हद तक चाहने वालों में से एक हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो अभी के लिए शुभी की तरफ से आप सभी को बाय बाय, और अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।